दोस्तों आपसे थोड़ी देर पहले बाड़मेर जिले के समदड़ी क्षेत्र में एक ऐसा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है और उसी बच्चे के पिता, एक छोटा सा भाई और उसके मामा तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल घटना समदड़ी थाना क्षेत्र के पातौकावाड़ा गांव की है, जहां पर एक युवक अपने दोनों बेटे और अपने साले के साथ जोधपुर से अपने ससुराल यानी अजीत गांव जा रहा था। इस दरमियान तेज गति व लापरवाही से आया एक डंपर जिसने पीछे से उस बाइक को टक्कर मार दी और आप यकीन मानिए कि इस टक्कर के बाद जो बाइक चला रहा था युवक वो एक किनारे गिर गया। उसका एक बच्चा उसके हाथ में था, वो एक किनारे गिर गया। उस युवक का साला जो उसके साथ में बाइक पर सवार था वो एक किनारे गिर गया, लेकिन वो बाइक और इसमें उस पर सवार एक और बच्चा कम से कम 200 मीटर तक उस बाइक को डंपर चालक घसीटते ले गया। जब पीछे से लोगों ने आवाज लगाई तब उस डंपर चालक ने अपने डंपर को रोका और वो भाग निकला। आप यकीन मानिए कि कितनी लापरवाही थी। टक्कर लगने के बाद करीब 200 मीटर तक उस बाइक को और उस बाइक पर सवार एक मासूम बच्चे को घसीटता ले गया, जिसके कारण उस मासूम बच्चे की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद समदड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे थे। हालांकि उन लोगों ने काफी देर तक वहां पर विरोध प्रदर्शन भी किया और शव उठाने से इनकार कर दिया कि हम लोग ऐसे लापरवाह जो चालक है इनके खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हैं और लापरवाही से चलाने वाले इस प्रकार के लोगों के खिलाफ अगर प्रशासन और पुलिस कार्यवाही नहीं करते तो उनका भी उन्होंने विरोध किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है जो लगातार इस प्रकार के हादसों का न्योता दे रहे हैं, लगातार इस प्रकार के हादसों का कारण बनते जा रहे हैं। हालांकि उसके बाद पुलिस ने समझाइश की और जो शव है उस मासूम बच्चे का उसको मोर्चरी में रखवाया है और जो अन्य लोग घायल हुए हैं उस मासूम बच्चे के पिता, मामा और एक भाई, उनका समदड़ी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस समझाइश कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद हम लोग जरूरत है कि आखिर लगातार इस प्रकार के हादसों पर रोक कब लगेगी। हम लोग रोजाना देखते हैं कि लगातार इस प्रकार के सड़क हादसों में कई लोगों की जान चली जाती है। आप यकीन मानिए कि अगर वह डंपर चालक अपना डंपर अगर सावधानी से चलाता तो यह हादसा नहीं होता। हम लगातार लापरवाही इसलिए कह रहे हैं कि उसने बाइक को टक्कर मार दी और उसके बाद करीब 200 मीटर तक उस बाइक को घसीटता ले गया और उस बाइक पर एक बच्चा था वो भी साथ में घसीटता गया और इस दरमियान उस बच्चे की मौत हो गई। हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर समय रहते इस प्रकार के हादसों से हम सब लोग, जितने भी अलग अलग प्रकार के हम लोग वाहन चलाते हैं, वो सीख नहीं लेंगे तो आने वाले दिनों में ये हादसों की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। अगर बाड़मेर जिले की वर्ष 2022 की बात करें तो हमने आपको पहले भी आंकड़े बताए थे कि बाड़मेर जिले में वर्ष 2022 में यानी कि सिर्फ 365 दिन में सड़क हादसों में 416 लोगों की मौत हो गई थी और 600 से अधिक लोग घायल हो गए थे। आप सोचिए कि हम बार बार आप लोगों से अपील करते हैं कि अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। आखिर शिवलाल की क्या गलती थी उसकी, एक मासूम को आज डंपर चालक की गलती से अपने मासूम बच्चे को खोना पड़ा। शिवलाल अपने दो बच्चों के साथ और अपने साले के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए अपने ससुराल जा रहा था। इस दरमियान उस लापरवाह डंपर चालक ने उसको टक्कर मार दी जिससे उसकी एक मासूम बच्चे की मौत हो गई और तीन लोगों को गंभीर रूप से घायल हो गए, उनका उपचार चल रहा है। हालांकि अभी पुलिस उन लोगों से समझाइश कर रही है। लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि आखिर इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर मुआवजे की भी मांग की है। अब पुलिस लगातार समझाइश कर रही है कि इस प्रकार की घटनाओं को लेकर उन्हें समझा रही है कि अभी आप यहां पर धरना मत दीजिए। हालांकि अभी जहां घटना स्थल पर पहले लोगों ने शव उठाने से इनकार कर दिया था, लेकिन समझाइश के बाद पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरी आप लोगों से एक अपील है कि अपने वाहन सावधानी पूर्वक जरूर चलाएं।